नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे टाटा ग्रुप के शेयर के बारे में, खास करके टाटा केमिकल्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और ट्रेंट के शेयर की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों, आपने देखा कि हाल के दिनों में ट्रेंट में तो काफ़ी करेक्शन आया, टाटा कंज्यूमर और टाटा केमिकल्स कंसोलिडेट कर रहे हैं एक प्राइस मूवमेंट पे। तो दोस्तों, अब हमको क्या करना चाहिए, बाई करें, सेल करें या होल्ड करें, और इनके क्या क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं उसके बारे में भी हम लोग डेप्थ में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए। जब आप पूरा वीडियो देखते हैं तो अलग अलग एंगल से एनालिसिस करेंगे और क्या रिजल्ट्स होंगे, क्या बाइंग लेवल होंगे, क्या टारगेट प्राइस होंगे, खास करके एक मंथ में, तीन मंथ में, छः मंथ में। तो दोस्तों, चलिए हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा शुरू करने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही दोस्तों, अगर आप आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आपके पास एक ही डीमैट अकाउंट है तो आप दो तीन डीमैट अकाउंट खोलिए। खास तौर पे अगर आप स्टॉक का डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो हमारे लिंक से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप स्टॉक के लिंक पर भी ज़रूर क्लिक करिए। तो चलिए दोस्तों, चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग टाटा केमिकल्स के लिए चर्चा शुरू करते हैं। इसकी दोस्तों 15 जनवरी को एक न्यूज आई कि टाटा केमिकल क्वार्टर थ्री प्रॉफिट में डिप 40% ईयर ऑन ईयर टू ₹99 करोड़ बाई ICICI डायरेक्ट। तो उन्होंने कहा है कि जो क्वार्टर थ्री का प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर डिक्रीज कर सकता है, बट अगर नेट सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 0.2% ईयर ऑन ईयर अप 0.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो इनका प्रॉफिट डिप कर सकता है और सेल्स भी डाउन हो सकती है। इन द लास्ट थ्री मंथ द स्टॉक हैज गेन्ड 58% टू 486 ऑफ जनवरी 5 फ्रॉम दिस। तो दोस्तों, एक अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है कि इनका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो कहीं ना कहीं रिजल्ट अप हो सकता है और अच्छे चांसेस हैं अप होने के। तो ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हैं इस शेयर पे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का शेयर है, तो इसको होल्ड रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं अर्निंग जो है एप्टा है वो भी डाउन होने के चांसेस है, लेकिन दोस्तों अगर किसी को नई पोजीशन बनानी है तो थोड़ा सा प्राइस करेक्शन का वेट करिए और तब आप एंट्री लीजिए। फिलहाल टाटा केमिकल का शेयर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का शेयर है। नाउ दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के क्वार्टर थ्री के प्रॉफिट के बारे में। तो क्वार्टर थ्री का प्रॉफिट दोस्तों ये है कि इनका भी डिप कर सकता है प्रॉफिट 29.80% ईयर ऑन ईयर टू ₹169.4 करोड़। तो दोनों ही शेयर जो प्रॉफिट डिप हो सकता है, लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि सिक्वेंसली जो है इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी डाउन हो सकता है। तो टाटा कंज्यूमर का रिजल्ट डाउन हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन दोस्तों, अगर एक्सपेक्टेड से बेहतर रिजल्ट आ गया, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि जो भी एक्सपेक्टेड है उससे बेहतर रिजल्ट ही आएगा, और कहीं ना कहीं आप टाटा केमिकल या टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में इससे बेहतर रिजल्ट देखेंगे। तो जब भी अगर एक्सपेक्टेड जो प्राइस होता है उससे अगर रिजल्ट बेहतर जाएगा, तो दोस्तों जिस हिसाब से रिपोर्ट आई अगर हम उसको ध्यान में रखें तो प्राइस को करेक्ट होना चाहिए था, बट प्राइस को करेक्ट नहीं हुआ। तो इसका रीज़न ये है कि जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं इनसे बेहतर आएगा, इस वजह से प्राइस करेक्शन नहीं हो रहा। इवन इफ द मार्केट इज़ फॉल, तो मार्केट फॉल हो रहा है तब भी नहीं हो रहा। और साथ ही दोस्तों, अगर हम टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में देखें तो ये इनकी एक बहुत बड़ी न्यूज़ ये निकल के आ रही है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट प्लान्स टू बूस्ट डायरेक्ट टू कस्टमर रीच, यानी कंज्यूमर रीच तक डायरेक्ट पहुँचने के लिए प्लानिंग बना रहे हैं, जिससे जो टाटा साल्ट है, टाटा सी टी है, या टेटली ब्रांड है, या हिमालयन वाटर है, ये डेफिनेटली इससे भी काफ़ी ऊपर जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, रिसेंट डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो लॉन्ग टर्म में मैंने जैसे कि दिवाली के आसपास सजेस्ट किया था दोस्तों कि 470 पे आप बाई कर लीजिए, और मैंने कहा था कि ये विद इन वन ईयर 1000 तक भी ये शेयर पहुँच सकता है। तो 600 ऑलरेडी पहुँच चुका है एक दो महीने में, हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन आए, लेकिन बहुत ज़्यादा करेक्शन के चांसेस नहीं है।
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट स्क्रिप मे रिप्लेस गेल इन इंडिया इन निफ्टी 50 इंडेक्स। तो ये भी एक बड़ी न्यूज़ है कि ये अगर रिप्लेस कर देता है गेल को और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट निफ्टी 50 में आ जाता है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि मार्केट कैप इनका बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ क्या निकल के आएगी कि जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं वो यहाँ से बाई करना शुरू कर देंगे और निफ्टी 50 के जो इंडेक्स्ड फंड हैं वो उसमें भी बाइंग आएगी। तो बाइंग और ज़्यादा बढ़ेगी अगर ये निफ्टी 50 में आ जाता है शेयर। तो डेफिनेटली दोस्तों बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं दोनों और ट्रेंड का भी स्टॉक बहुत अच्छा है। तो एक्चुअली दोस्तों हम लोग एनालिसिस भी करके देख लेते हैं, लाइव एनालिसिस है कि तीनों शेयर में से किस लेवल पे बाई करना चाहिए। तो अगर हम दोस्तों वन मंथ का शॉर्ट टर्म नज़रिया रखते हैं तो मेरा कहना है कि आप 590 के आसपास इसमें बाई करिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का, और या 570 तक आप बाई कर लीजिए। और अगर आप टाटा केमिकल और ये जो टारगेट होंगे 570 के पास बाई करिए, और टारगेट ऊपर की तरफ लगभग 650 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट विल बी 650, दैट इज़ द वेरी प्रिसाइज टारगेट। और अगर आपका नज़रिया 6 मंथ का है तो 6 मंथ में आप दोस्तों अगर आप बाई करना है तो 570 के आसपास बाई करें, और ऊपर की तरफ जो लेवल वी आर एक्सपेक्टिंग वो लगभग 750 रुपये 6 महीने का टारगेट लेके चल रहे हैं, वहाँ तक अचीव हो सकता है। और अगर हम दोस्तों टाटा केमिकल का शेयर देखें तो जिस हिसाब का शेयर है, जैसी क्वालिटी का शेयर है, इसको आप दोस्तों डेफिनेटली आप 480 के अराउंड बाई करिए। 480 पे बाई करके या 500 के अराउंड भी बाई कर सकते हैं, करेंटली होल्ड रखिए और स्टॉप लॉस 440 लगाइए, और ऊपर के लेवल 700 को भी टच कर सकता है ये शेयर। अगर हम ट्रेंड का देखें तो ट्रेंड में बहुत भारी गिरावट हुई है और वॉल्यूम्स भी पिछले कई दिनों से नहीं आए हैं। गिरावट जरूर हुई लेकिन वॉल्यूम्स में फॉल नहीं आया। तो अगर आप ट्रेंड का देख रहे हैं शेयर एनालिसिस तो कोई मेजर करेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी मेजर वॉल्यूम्स में डिक्रीज नहीं आया है, यानी मेजर फॉल नहीं हुआ, उसके बावजूद शेयर ने बहुत करेक्शन दिखाया। तो RSI लेवल भी देखिए 34 के आसपास है, तो डेफिनेटली ये बाइंग लेवल के करीब है। 630 के अराउंड आप बाई कर लीजिए, और पहला जो टारगेट है 680 का होगा, फिर आप 750 800 के भी टारगेट देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पे टारगेट, अगर आप देखिए तो शेयर प्राइस अगर हम टारगेट देख रहे हैं तो टाटा कंज्यूमर का जो शेयर प्राइस टारगेट है वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 620 का है एक मंथ का, टाटा केमिकल का 540 का है और ट्रेंड का 680 का है। 3 महीने के टारगेट डिफरेंट होंगे, टारगेट प्राइस 6 मंथ का डिफरेंट होंगे। और दोस्तों स्टॉप लॉस गिवन है, इसको जरूर मेंटेन रखिएगा क्योंकि शेयर मार्केट रिस्क के अधीन होता है। साथ ही दोस्तों एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आई है कि जो डिलीवरी परसेंटेज है वो ट्रेंड और टाटा कंज्यूमर की लगातार बढ़ रही है। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर टाटा कंज्यूमर का बढ़ रही है डिलीवरी, इसका मतलब बहुत तेज़ मूवमेंट होने वाला है टाटा कंज्यूमर और ट्रेंड के शेयर में। तो डेफिनेटली दोस्तों कीप पेशेंस, होल्ड रखिए और स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए जो कि हमने सजेस्ट किए हैं। हमें फॉलो करिए सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम, ट्विटर पर, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से जाने जाते हैं। शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है तो कृपया स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। और ये जो हम एनालिसिस करते हैं दिस इज़ फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पज़, इसका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू दोस्तों।